हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो फाइनली आप सभी का आज फिर से आज का लोगों का दूसरा क्लास है। पहला क्लास जो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो में, जो कि 31 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। आज 32 क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। और अगर कि आप लोग ITI कर रहे हैं या तो करने वाले हैं, तो आप लोगों को मेरे YouTube चैनल से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन और साथ में ITI टीचर कैसे बना जाए, कैसे तैयारी किया जाए, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर यदि कोई न्यू स्टूडेंट है और वीडियो कल का नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपका जितना भी आज क्वेश्चन हम करा रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि एक मोटरसाइकिल का टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उससे 25% लाभ होता है, तो खरीदने का मूल्य क्या होगा। बोल रहा कि एक मोटरसाइकिल है, उसे कितना में खरीदा था 300 रुपये में, और उसे फिर बेचा गया तो 25% लाभ हुआ, यानी कि उसका पैसा लगा कितना, वो पूछ रहा है खरीदा हुआ मूल्य उसका कितना था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई मोटरसाइकिल का जो है टायर उसको 300 रुपये में ख़रीदा है और उसमें से 25% लाभ हुआ है, 25% लाभ हुआ है। तो 25% लाभ हुआ है, जब 25% जो मेरा लाभ होता है, 25% लाभ मतलब 100 में 25 रुपया लाभ हो रहा है, तो 100 में 25 रुपया लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हुआ 125। तो इसको इस तरह से लिखना है, थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। इरेज छोड़िए, 300 रुपये में ख़रीदा था और बेचा कितना, 25% लाभ हुआ, तो 25% लाभ हुआ मतलब 125, इसको छोड़िए 125, जब प्रतिशत का बात करें तो कितना लगेगा 100, प्रतिशत जब भी आए तो क्या लगेगा नीचे में 100। अब क्या करना है कि ये दोनों संख्या को जब भी काटेंगे सेम संख्या से काटना है। तो सेम संख्या बोले तो कोई भी ऐसा संख्या लीजिए कि दोनों कट जाए, तो 25 से अगर हम डायरेक्ट काट देते हैं, 25 अगर छोटे संख्या से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 25 से हम डायरेक्ट करते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 5 घर में कटेगा, ए 4 घर में कटेगा, 4 घर में कटेगा। अब बचा क्या 300, अब 5 से फिर 300 को हम काट देते हैं तो कितना घर में कटेगा, 5 से यदि 300 को काटेंगे तो 5 से 30 को काटेंगे, 56 से 30, 6 घर में कटेगा, 10 उतरा यहाँ, 60 बचा। अब 60 से इंटू को गुना कर दीजिए, अब कटने का नीचे से ऊपर से कुछ नहीं है, जब गुना किए तो कितना आया 240। तो खरीद मूल्य जो लगा था टायर में कितना लगा था, 240 रुपया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 240 रुपया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 240 रुपया। तो समझ गए आप लोग। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलें। 18.5 को तो कल आप लोग को हम दशमलव बदलने के लिए सिखाए थे, तो इसको जब दशमलव भिन्न में बदलेंगे प्रतिशत को, तो क्या दिया हुआ 18.5 को परसेंट बोले थे, जहाँ परसेंट आएगा वहाँ क्या करना 100 लगेगा, तो पॉइंट को हटाएंगे सबसे पहले 10 आएगा और प्रतिशत का चिन्ह है तो क्या आएगा 20 उतरेगा, 20 100 आएगा तो 20 उतरा, 20 जब उतरा तो 185/100 आया, जब 185/100 आया तो कितना जीरो लगा है 1, 2, 3, तो डायरेक्ट 3 घर के बाद पॉइंट दे दीजिए, कुछ नहीं करना ऊपर में, डायरेक्ट 185 लिखना है और 3 घर के बाद पॉइंट देना है, 1, 2, 3, 3 घर के बाद पॉइंट देंगे, तो पॉइंट के बाद हम 0 भी लिख सकते हैं, 0.185 लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0.8185 राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, 32 34, हाँ 34 क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है इनमें से अधातु कौन सी है, पूछा गया है अधातु के बारे में, तो अधातु कौन सा है, पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा। तो इसमें ग्रेफाइट जो होता है कौन सा होता है, अधातु कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में पूछा गया इनमें से कस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है,
विच मेटल कंटेंट्स आयरन हैज मेजर कंटेंट, मतलब इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, किसमें होता है लोहा, पीतल धातु में, ब्रोंज धातु में, जिंक में, लोहा में, तो किसमें होता है, तो ये होता है जाके आपका फेरस, लोहा में होता है क्या, सारा प्रमुख सामग्री मिला हुआ होता है, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, फेरियस मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, स्टीनिंग मेटल और एक नॉन स्टेनलेस मेटल, मतलब लोहा धातु, अलो धातु, कुचालक धातु, सुचालक धातु। तो 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अलो धातु, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अब 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का आंतरिक गुण है, इसमें पूछा गया धातु के आंतरिक गुण के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा धातु के आंतरिक गुण है, फॉर्जिबिलिटी, डक्टिलिटी और संचरण और संचरना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का भी। तो चलिए अब देखते हैं 38 नंबर का, इनमें पूछा गया है 38 में, इनमें से भंगुरक धातु कौन सी है, इनमें से भंगुरक धातु कौन सी है, इसमें भंगुर धातु पूछा गया है ना इसमें कौन सा 38 नंबर में, तो भंगुर धातु कौन सा होता है, तो कच्चा लोहा क्या है, भंगुर धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप 38 नंबर किधर गया, 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है धातु की कौन सा आंतरिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विवरण के लिए प्रतिशत प्रदान करती है, कौन सा प्रतिशत प्रदान करती है, तो लचेदार या लोचदार जिसको बोलते हैं, तो कौन करता है इसमें, तो इसमें से कौन करता है, कठोरता करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विवरण के गठन में सक्षम होता है, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विवरण के गठन में सक्षम होती है, तो कौन सक्षम होता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन दिया है प्रत्यस्थता, सुदृढ़ता, तन्यता, भंगुरता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, पूछा गया धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर वरुपत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्ण अवस्था में आने की क्षमता रखता है, जो बल हटाने और बल वापस अपने पूर्ण अवस्था में आने की क्षमता रखता है, तो कौन अपना क्षमता रखता है आपका इसके बारे में बताना, तो ये 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थता, अस्थता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा 42 नंबर क्वेश्चन में इनमें से धातु की कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, कौन सा धातु का गुण है जो गर्म करने पर पिघल जाती है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर रिवाइज करके दोबारा पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा उसको रटा कीजिए क्वेश्चन को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन होता है, फोर्जिबिलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल के फिलामेंट में किया जाता है, पूछा गया वाई एलयू यूज इन इलेक्ट्रिक लैंप हैज फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट जो बना हुआ होता है रेड रेड जो जलता है, आप लोग घर में देखेंगे रेड कलर का एक बल्ब होगा, पहले जलाया जाता था, तो उसका जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना हुआ होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो किसका बना हुआ होता है, तो आप जान लें वो जाके बना हुआ होता है टंगस्टन का, किसका बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन में पूछा गया है
42 में पूछा गया है, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है, पीतल मतलब ब्रास, ब्रास में कौन सी धातुएं होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो 44 है ना, तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो क्या होगा, तांबा और जस्ता में क्या होता है, तांबा और जो जस्ता था मतलब कॉपर और जिंक जो होता है क्या होता है, ब्रास में मिला हुआ होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है, पूछा है इनमें से कौन सा ढलवा लोहा का वेल्डिंग नहीं किया जाता है, तो कौन कौन सा है, धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पटवा लोहा और गंठदार ढलवा लोहा। तो इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ, जो वेल्डर का स्टूडेंट है वो वहाँ से जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर सफ़ेद ढलवा लोहा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग, इनमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जाती है, तो सफ़ेद आयरन का हम लोग वेल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन का, 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किस धातु को फोर्जेट जाली नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता है, विच मेटल कंटेंट बी फोर्जेट। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जाके, अरे निकलो जल्दी, एलॉय स्टील, माइल स्टील, स्टील और कास्ट आयरन। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका कास्ट आयरन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 46 का डी आंसर कास्ट आयरन। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापारिक रूप में उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लो एस से पंग आयरन बनाने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाता है, किस पट्टी का उपयोग किया जाता है लो एस्क बनाने में। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, हल्के स्टील बैटरी और दूसरा दिया इलेक्ट्रिक भट्टी, तीसरा दिया ब्लास्ट फर्नेस और चौथा दिया कोपोला। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं, 49 क्वेश्चन में पूछा गया ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूजन टू ऑब्टेन कास्ट आयरन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो फिर 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपोला, कपोला का प्रयोग करते हैं क्या ढलवा लोहा का भट्टी बनाने में। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, पूछा गया निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया। तो कार्बन स्टील का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, हल्के स्टील होता है कार्बन स्टील का दूसरा नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन, देख ये सब जितना क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य कार्बन स्टील का कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस करते जाइएगा नोट। मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है ये पूछा गया, तो इसका जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो 0.25% से लेकर 0.5% तक होता है मध्य कार्बन स्टील कार्बन। तो चलिए 52 में देखते हैं, 52 में पूछा गया निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है ये पूछा गया है। तो कार्बन का प्रतिशत जो होता है निम्न कार्बन स्टील में वो होता है 0.15 से लेकर 0.25 तक परसेंट होता है, क्या निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए 53 जो क्वेश्चन है इसमें भी पूछा गया उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.50 से लेकर 1.50% होता है, क्या उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एल्युमिनियम का एस्क क्या है, एल्युमिनियम का एस्क पूछा गया है, तो एल्युमिनियम का जो एस्क होता है वो क्या होता है, वोरेक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया उसमें पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा क्योंकि आज मेरे को काम है, थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं। धातु का वह कौन सा गुण जिसमें धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो किसको बिना टूटे खींचा जा सकता है, तो होगा कौन सा, तन्यता। ऑप्शन नंबर ये डक्टिलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डक्टिलिटी। तो चलिए मिलते हैं कल वीडियो में फिर यही टाइम पे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए हैं तो चलिए।